आदिल आई एम सॉरी बट थोड़ा सा दिल बड़ा रखे, मेरा दिल में बिल्कुल भी नहीं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। मैं आदिल का दिल कभी नहीं दुखा सकती, मैं आदिल का दिल फालतू कपड़े पहन के कभी नहीं दुखा सकती। आई एम अ सुपर वुमन एंड इज माई बैटमैन। देखिए मुझे पता नहीं कौन डिज़ाइनर है क्या है, लेकिन मैंने आज आदिल का बहुत दिल दुखाया है कि उस टाइप का कपड़ा मुझे नहीं पहनना चाहिए। और अभी जो दो या तीन जोड़ी कपड़े आए हैं और आई एम इनटू फिल्म इंडस्ट्री, आदिल आई एम सॉरी बट थोड़ा सा दिल बड़ा रखे, मेरा दिल में बिल्कुल भी नहीं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। बट अब आया है, प्रोडक्शन वालों ने इतने खर्चा किया है, मैंने ट्रायल नहीं लिया था क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं था, स्टिचेस टूट सकते हैं मेरे, तो इमिडिएटली आया तो मैंने अभी यहाँ पे पिन विन कैसे लगा के पहने हैं आप लोग खुद ही जानते हैं। मैं आदिल का दिल कभी नहीं दुखा सकती, मैं आदिल का दिल फालतू कपड़े पहन के कभी नहीं दुखा सकती। आदिल जी, राखी जी आपके लिए हमेशा बहुत कुछ करती है, जैसे कि गाने के लिए आपको 15 दिन का सेट ट्रेनिंग दिया, फिर आप हमेशा नाराज हो जाते, आज भी आप नाराज हो गए, ऐसा क्यों? क्या चीज़ है? मतलब थोड़ी से नाराज हुई तो राखी भी तब हाइप हुई। देखो मेरे से सिर्फ राखी को एक ही चीज़ की पाबंदी है, कपड़ों से, ठीक है? और मैं दूसरे कोई भी चीज़ तो राखी बाजू में मैंने बगल में खड़ी है उसको आप पूछ सकते हो कि कोई दूसरे चीज़ों से मेरी पाबंदी है, मैं रोकता हूँ टोकता हूँ, खुद पूछ लीजिए एक सवाल, बताओ कोई कोई दूसरी चीज़ से रोक टोक करता हूँ? करता हूँ? नहीं पापा, नहीं करते हैं। वो ये एक्टिंग के ज़ोन में प्यार है, नहीं नहीं ये प्यार है उनका। और नहीं, और अब देखिए ऐसे भी इन फ्यूचर तो हम दोनों एक ही होने वाले हैं, और इस्लाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं ऐसे कपड़े पहनना। आदिल इज ऑलवेज राइट एंड मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज जो है डिज़ाइनर ने ऐसे कपड़े ला के दे दिए पुरानी राखी सावंत जैसे, तो नई राखी सावंत को इन्होंने सुधार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन था, बिग बॉस में स्पाइडरमैन के रूप में गए थे, इस बार आप लोग किस रूप में जाएंगे? आई एम अ सुपर वुमन एंड इज माय बैटमैन। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद राखी।